असलम इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डू दी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और मेनली जो म्यूको म्यूकोप्योरेन्ेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है उसकी बात करेंगे ठीक है अच्छा अब बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो होते हैं ना ये हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं मेनली एक तो हमारे पास हो गया प्रुलेंट ठीक है प्योरेन्ट प्यूरेलेंट हो गया एक म्यूको म्यूकोप्यूरेलेंट हो गया और एक मेम्ब्रेनियस कंजक्टिवाइटिस uh, हो गया क्या क्या है प्योरेन्ट म्यूकोप्यूरिलेंट एंड मेम्ब्रेनियस कंजक्टिवाइटिस ठीक है अच्छा इस वाले सिनारी में हम लोग जो है म्यूकोप्यूरिलेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस करेंगे ठीक है क्या होता है इसमें देखो सबसे पहले पचास फिफ्टी ईयर ओल्ड फीमेल आई है ठीक है उसकी आ, क्या मसला है मेन जो हम बात कर रहे हैं ना देखो रेडनेस है फ़ॉर बॉडी सेंसेशन है बर्निंग ऑन आई है फ्रॉम लास्ट टू डेज है ये बातें तो हर सिनारी में हमें नज़र आएंगी मतलब फ़ॉरन बॉडी सेंसेशन तो हमारे करेटो कंजक्टिवइटस में भी नज़र आ रहा था तो हम कैसे कहेंगे कि ये हमारे पास वो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ये ऐसे पता लगेगा ना कि एक तो पस्ट डिस्चार्ज है पस्ट डिस्चार्ज भी बहुत सारे केसेज में लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइन uh, है ना वो ये है कि द आइज लेट्स आर ग्लू टुगेदर एंड आर डिफ़िकल्ट टू ओपन इन द मॉर्निंग ठीक है सुबह के वक्त ये जो आई की आईलेट्स होती हैं ना दोनों ऐसी चिपकी हुई होती हैं और खोलने में मुश्किल आ रही होती है उसको बंदे को ठीक है तो ये हमारे पास मिकोप्योरेन्ट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है ठीक है अच्छा अब इसके कॉजेज़ क्या हैं तो आ, जो वो है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज जो है ना ठीक है ग्राम पॉजिटिव कोकाईज जो हैं उसमें हमारे पास एक तो स्टेप स्टेप औरस आ जाएगा और स्टेप आ जाएगा फिर ग्राम नेगेटिव जो हमारे पास कोकाई होते हैं उसमें हमारे पास नाइजीरिया आ जाता है ठीक है न, इजेरिया गनोरिया ठीक है और फिर जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं तो उसमें इन्फ्लुएंजा वगैरह क्लैपसीला वगैरह आ जाता है ठीक है बस की ट्रीटमेंट में क्या करते हो ट्रीटमेंट में एक तो वो होता है स्पॉन्टेसली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वो होता है स्पॉन्टेसली ठीक हो जाता है इसके अलावा एंटीबायोटिक्स देते हो लिट की हाइजीन का ख्याल रखते हो और इिगेसन वगैरह करते हो ठीक है फिर कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि कंजक्टिवाइटिस की वजह से हमारे पास यूवियाटस केाटाइटस इेडोसाइलैटस और आइराइटिस वगैरह हो सकता है ठीक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको जितने भी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के और नाम लिख लो एलर्जिक हो गया कंजक्टिवाइटिस ठीक है आ, इसके अलावा वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा ठीक है इसके अलावा जो है वो एपस्क्रेराइटस और स्क्रेराइटस वगैरह भी याद रख लो यू ठीक है दैट्स इट वे डन विद दी मीकोप्यूरलेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे थैंक यू जदाकल्ला खैर